नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ओनली एम आईएएस आईपीएस में। और आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिविजन कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज, और इसमें कल के टॉपिक भी शामिल है। कल कुछ रीजन से हम कल का टॉपिक डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो एक एक करके थोड़े थोड़े करके हम कल के टॉपिक इसमें शामिल करते जाएंगे, और आपका जो कल का जो करंट अफेयर बचा है वो धीरे धीरे करके आपका शामिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं, आप आसानी से उसका पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला न्यूज ये है कि सीआईआई ने कहा है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, सॉरी, सरकार से कि आप रेयर अर्थ मिशन चालू करें, और इस मिशन के द्वारा आप क्या करें, अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी और आप उसका ब्रॉड बेस तैयार करें ताकि हम अपनी जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट हैं उनका हम स्ट्रेटेजिक उपयोग कर पाए और हमारे देश में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ पाए, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ आगे बढ़ पाए। और जो हम आज तक चाइना के ऊपर 97% से अधिक निर्भर हैं, वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो और हम स्ट्रेटेजिक रूप से अदर देशों से निगोशिएशन कर पाए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है। अभी ये मिशन लॉन्च नहीं किया है, ऐसा इंडस्ट्री ने कहा है कि हमारी अन्य देशों पर निर्भरता अधिक है, तो आप क्या करो इसके संबंध में, आप मिशन चालू करो और इन पे हम जो भी हमारी कैपेसिटी होगी, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी होगी, उसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा सरकार से कहा है। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट को पढ़ें। ये 17 मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, और जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको स्कैडियम और टेरियम 15 आपको इस प्रकार के एलिमेंट देखने पड़ेंगे, और हमारी अर्थव्यवस्था में इस तरह के एलिमेंट का काफी उपयोग होता है। लाइक जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर हैं, जैसे कि एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और अदर भी बाकी जो क्रिटिकल सेक्टर हैं, इनका उपयोग उसमें बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। जैसे सेलुलर हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव हो गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, डिफेंस एप्लीकेशन हो गए, ठीक है, गाइडेड सिस्टम, लेजर्स, मतलब कि कहें तो पूरी अर्थव्यवस्था को ये समग्र रूप से बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो रेयर अर्थ एलिमेंट में है। इसलिए सरकार से कहा गया है कि आप इसके संबंध में एक मिशन को लेके आए। अब हमारे लिए कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा जो वर्तमान में फैक्ट होते हैं वहां से। तो इंडिया केवल ग्लोबल आउटपुट का केवल 1% क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और अराउंड 60% के रिजर्व हमारे पास हैं। ठीक है, लेकिन भारत की जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे सबसे अधिक है। 18-19 के डेटा के अनुसार 92% रेयर अर्थ एलिमेंट हम इंपोर्ट करते हैं बाय वॉल्यूम, और 97% क्वांटिटी हम इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, चाइना से। तो हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी सबसे अधिक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये हुई कि विश्व में इनका, वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे होता है। तो सबसे अधिक आप देख पा रहे होंगे कि चाइना में सबसे अधिक रेयर अर्थ एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको यूएसए में देखने को मिलेंगे, फिर आपको इधर जाएंगे आप म्यांमार में देखने को मिलेंगे, फिर आपको रसिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत में आपको 6% के आसपास देखने को मिलेंगे वर्ल्ड के। तो भारत की बात करेंगे तो भारत आप देख पाएंगे 1-6, मतलब कि भारत 6 स्थान पे आपको देखने को मिलेगा, 6th प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे, इसको याद रखिएगा, 5 तक आप इंडिया तक याद रखिएगा, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे अधिक रेयर अर्थ एलिमेंट आपको चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, म्यांमार में, रसिया में, और उसके बाद रसिया के बाद हम 6वें स्थान पे हैं इंडिया में देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो चाइना में सबसे अधिक दिखने को मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा सकता है। दूसरा, इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? न्यूक्लियर सेक्टर में आप इनका उपयोग कर सकते हैं, डिफेंस में कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, पिगमेंट्स में कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स में कर सकते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कर सकते हैं, कैटलिस्टिक कन्वर्टर में कर सकते हैं, डीजल एडिटिव में कर सकते हैं, इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने में कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, ग्लास और पॉलिशिंग में इनका उपयोग हो सकता है, ठीक है, फास्फोरस का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो सकता है, मेटल एलॉय का सबसे अधिक उपयोग होता है फ्यूल सेल में, स्टील में, लाइटर फिलेंट में, ठीक है, और इसके अलावा मैग्नेट का उपयोग मोटर में, डिस्क ड्राइव में, एमआरआई में, पावर जनरेशन में, माइक्रोफोन्स में, स्पीकर में मैग्नेटिक, ठीक है, इस प्रकार का उपयोग हमको, इस प्रकार का उपयोग जो क्रिटिकल सेक्टर होते हैं उनका रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार का आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटलिस्ट, मैग्नेट, मेटल एलॉय, सेरामिक, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो जहां आप देखेंगे, जहां आप तक की नजर जाएगी, वहां आपको रेयर अर्थ एलिमेंट का उपयोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आ सकता है, और मेंस में आप आपसे प्रश्न आएगा तो आपको कोट कर सकते हैं इन सब बातों को, तो यहाँ से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा, सरकार ने कहा है कि हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अभी तक आपने देखे होंगे भारत में आपको बड़े लेवल पे आपको रिएक्टर देखने को काम करेंगे, फ्यूजन पे काम करते हैं, विखंडन पे काम करते हैं, संलयन पे जो फ्यूजन होता है उस पे हम उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम टोकोमोक बोलते हैं, फ्रांस में वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल सूर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भारत भी उसकी भागीदार है। लेकिन आप लार्ज लेवल पर कन्वेंशनल रिएक्टर आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे, जिनकी क्षमता 700 मेगावाट की होगी, उसके बाद आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर देखने को मिलेंगे, 300 मेगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, उसके बाद आप माइक्रो रिएक्टर देखने को मिलेंगे, 10 मेगावाट के आसपास ये एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस प्रकार के रिएक्टर आपको जो स्पेस फ्लाइट मिशन होती हैं वहाँ पे आपको इस प्रकार के रिएक्टर देखने को मिल सकते हैं। अधिकांश नासा ने इन प्रकार के रिएक्टर का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम इस प्रकार के डेवलप तो कर रहे हैं, एक न्यूज आई थी कि अब रसिया ने 2022 में, रसिया का एकेडमिक लोमनसोव एक रिएक्टर है जो कि विश्व का पहला वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इस प्रकार का रिएक्टर है जो कि कॉमर्शियल यूज के लिए उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्या है तो आपसे पूछा जा सकता है, और भारत इसमें बनाने का प्रयास कर रहा है, सरकार ने कहा है कि हम स्मॉल लेवल के रिएक्टर भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बना और किसकी सहायता से बना, कौन से देश की सहायता से बना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा एक न्यूज ये है कि जो दार्जिलिंग की टी है उसकी प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली है, तो ये हमारे लिए न्यूज है, इसको हम पढ़ते हैं। दार्जिलिंग की टी जो टी है उस पे 10 से 12 मिलियन केजी डिकेट बैग की हमको देखने को मिला है 2021 में, हमको 6.8 मिलियन केजी के आसपास इनका प्रोडक्शन हमको देखने को मिल रहा है, तो काफी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। ये पहली दार्जिलिंग टी ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था, क्योंकि इसमें अरोमा और इसका फ्लेवर काफी अलग रहता है, तो इसको जीआई टैग मिला गया था। कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि जीआई टैग किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा इसको रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है, और भारत में ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा इस प्रकार के एक्ट को, इस प्रकार के जीआई टैग को रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। और ये साथ में ये भी बताइएगा कि जीआई टैग को कितने साल बाद रिन्यू कराने की आवश्यकता होती है, अगर होती है तो कितने साल बाद होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, ठीक है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसके कारण क्या क्या है, कि दार्जिलिंग टी का प्रोडक्शन कम हुआ है, सबसे पहले आप देख पाएंगे हिली ट्रेन हमको कम देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट काफी हो रहा है, तो जो हिली एरिया है उनका उसमें लगातार कमी हमको देखने को मिल रही है, और जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, टी का जो एक्सपेंशन है, जो गार्डन है उनको हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक कारण है, इसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा अपरूटिंग होती है, प्लांटिंग होती है, और कॉस्ट इंटेंसिव, इंटेंसिव क्या है, ये
ये हमको देखने को मिलता है, तो इसलिए चर्चा में था, तो ये भी एक कारण है। दूसरा, इनकी प्राइस काफ़ी कम देखने को मिल रही है, इनकी डिमांड भी हमको धीरे धीरे कम होती दिख रही है, तो इस प्रकार को हम इसलिए इनका जो प्रोडक्शन है कम देखने को मिल रहा है। और इसका कारण एक ये भी है जो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई हैं, तो वो भी एक कारण है, इनके जो प्रोडक्शन का लेवल है वो भी हमको कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो कारण हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि मेजर थ्री प्रोडक्शन रीजन है जहाँ पे हमारे टी हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में हम दार्जिलिंग को देखने को मिलते हैं, और फार नॉर्थ ईस्ट में आपको असम में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको साउथ इंडिया में नीलगिरी का जो आपको क्षेत्र है वहाँ पे आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, टी का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हिमाचल उत्तरांचल उनकी उत्तराखंड, फिर आपको इधर देख पाएंगे वेस्ट बंगाल बिहार असम त्रिपुरा, इधर आपको उड़ीसा, इधर आपको कर्नाटक केरला और तमिलनाडु में इस प्रकार का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो टी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन सी कंडीशन है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप देख पाएंगे टी क्या है, एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो रीजन होता है वहाँ पे इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कि उत्पादन के लिए जो दशाएं होती हैं, जो क्लाइमेट होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। माउंटेन सोयल होनी चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर इसमें देखने को मिलने चाहिए सोयल में, उसके लिए हमारे लिए ये टी प्रोडक्शन तभी होगा। उसके अलावा 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनके लिए टेम्परेचर होना चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर तक इनकी रेनफॉल होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा कि इनका जो इनको टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, और दूसरी बात है कि इनको फॉरेस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए थ्रू द ईयर, मतलब कि पूरी साल इनको पाला नहीं मिलना चाहिए। अगर पाला मिलता है, फ्रॉस्ट मिलता है, तो इनकी फसल खराब हो जाती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको सोयर देखने को मिलता है, ओवर द ईयर कंडीशन ग्रोथ टेंडर लीफ ये हमको देखने को मिलता रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वाली, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, अभी क्या हुआ है, इसरो ने कुछ सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसको हमने ओसिन सेट 3 नाम दिया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS, तो इनका महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ उनने कुछ इंडिया भूटान से संबंधित एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है जिन्हें दोनों ने मिलकर डेवलप किया है, आनंद नाम का सैटेलाइट है, एस्ट्रोसैट एस्ट्रोकैस्ट है और थाईवोल्ट है। तो ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ आपको इन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि इससे पहले हमने जो ओसिन सेट 1 लॉन्च किया, ओसिन सेट 2 लॉन्च किया, ओसिन सेट 1 को हमने 1999 में लॉन्च किया, ओसिन सेट 2 को हमने 2009 में लॉन्च किया। ठीक है, इसके साथ साथ ओसियन कलर मॉनिटरेशन एक पेलोड है, वो काम करेगा एक्यूरेसी की दिशा में, हम डेली मॉनिटरिंग फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनकी मॉनिटरिंग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए इनमें फाइटोप्लैंक्टन में किस किस का कॉम्बिनेशन होता है। सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर होता है, ये टेम्परेचर को आसानी से मॉनिटर करने की दिशा में काम करेगा, साइक्लोन जो एजेंसीज जो जेनेसिस रहता है उसकी दिशा में काम करेगा कि किस प्रकार से हम साइक्लोजेनेसिस का विकास होता है उसको हम आसानी से मॉनिटर कर पाएंगे। क्यू वेंट के द्वारा आपकी जो हाई रिजुलेशन की क्षमता होगी, विंड वेक्टर की जो क्षमता होगी, उसको हम आसानी से टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा जो ये वाला सैटेलाइट होता है, अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की श्रेणी में आता है, एक प्रकार का हम सैटेलाइट के द्वारा जो अर्थ की मैपिंग कर पाते हैं, और इस प्रकार के जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं उनका उपयोग प्लानिंग में करते हैं, उनका डेवलपमेंट में निर्माण करते हैं, किस प्रकार की गतिविधियों और चेंजेस होता है, तो इस प्रकार का उपयोग हम सैटेलाइट के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ओसिन सेट तो है ही, 8 अदर नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। नैनो सैटेलाइट का मतलब है कि बहुत छोटे लेवल के सैटेलाइट होते हैं, इनका उपयोग सामान्यतः एक्सपेरिमेंट की दिशा में किया जाता है, इसलिए इनको नैनो सैटेलाइट बोलते हैं, और अधिकांशतः रिसर्च के लिए नैनो सैटेलाइट का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये पीएसएलवी C54 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, दूसरा, मुद्रा स्कीम चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि जो मुद्रा लोन लोगों को दिए गए तो उनका जो 3.5
3% जो मुद्रा लोन का हमको नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखने को मिला, मतलब कि इसमें से भी लोगों ने लोन नहीं वापस किया है, इसको बोलते हैं एनपीए। मतलब कि 90 दिन से अधिक हो गए और 90 दिन से अधिक होने के बाद भी उनने लोन को वापस नहीं किया, इसलिए एनपीए में चेंज हो गए, तो 3.3% हमको देखने को मिला। एनपीए की समस्या काफी बड़ी गंभीर समस्या है। बैंकों की जो कार्य शैली है उसको बहुत निगेटिव रूप से प्रभावित करती है, तो इसको हमको दूर करने की आवश्यकता है। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुद्रा सरकार की स्कीम क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार ने लॉन्च की, इसके तहत 3 प्रकार के हमको देखने को मिले। पहला आपको देखने को मिलेगा शिशु लोन, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक शिशु लोन दिया जाता है, किशोर लोन दिया जाता है और तरुण लोन दिया जाता है। इसमें आपको 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, इसमें 50,000 से 5 लाख तक का, इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, ताकि आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और इसके तहत एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम था मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी एलटीडी। इसका मतलब है कि कोई भी रीफाइनेंस किया जाएगा इसके द्वारा किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट को, ठीक है। और हमने पढ़ा कि 10 लाख तक के लोन देंगे नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को, ठीक है। ये लोन आपको कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाएगा, रीजनल रूरल बैंक के द्वारा दिया जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफआई और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा ये लोन दिया जाएगा। इसके द्वारा अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है, कलेक्टर फ्री लोन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यही कारण है कि इसके आपको 3.3% आपको इसमें एनपीए भी देखने को मिल रहा है। और एक कारण ये भी है कि कोविड के कारण बहुत लोगों के बिजनेस क्या हो गए, बंद पड़ गए, तो वो भी एक कारण है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यूपीएससी ने इसमें प्रश्न पूछा गया था, 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया, 15 में तो यूपीएससी ने इसको प्रश्न पूछ लिया, कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एम क्या है। यूपीएससी हमेशा ऐसे ही प्रश्न पूछती है। देखो, एम क्या है, इसमें पहला ऑप्शन था कि इनको स्मॉल जो इंटरप्रेन्योर हैं इनको हम फॉर्मल क्या है, फाइनेंशियल सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम है ये, तो ये वाला ठीक है। प्रोवाइडिंग लोन तो पुअर फार्मर, तो फार्मर की बात की ही नहीं गई है, ठीक है। पेंशन तो इसकी भी बात की नहीं गई है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन तो इसकी भी बात नहीं की गई है। तो अगर आपने पढ़ा होता तो वह सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से इजिली सॉल्व हो जाता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें सिंपल सिंपल प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एम क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ब्लैक कोरल चर्चा में है। अच्छा, इनका नाम ब्लैक कोरल क्यों पड़ा, क्योंकि जो सी लेवल रहता है उनको बहुत नीचे देखने को मिलते हैं, इसलिए को सामान्यतः ब्लैक कोरल बोल दिया जाता है। अधिकांशतः ये ब्लैक कोरल, इनके नाम पे मत जाइएगा कि इनका नाम ब्लैक कोरल है तो ब्लैक नहीं होंगे, इसमें बहुत प्रकार के भी हमको रंग देखने को मिलेंगे, जैसे कलर व्हाइट होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ब्राउन होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि हमको ये ऑल डेप्थ, मतलब कि सी लेवल की डेप्थ में हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे हमको देखने को मिल रहा है, 2,500 की फिट की नीचे हमको देखने को मिला है, ठीक है। दूसरा, हमको जो कोरल रीफ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको अधिकांशतः इस रीजन में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में अधिकांशतः आपको ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे देखने को मिलेगा। ये रीजन सबसे ज्यादा रिच है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे काफी ज्यादा रिच है, ठीक है। इस बारिश में आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ से संबंधित प्रश्न आता है तो मैप आपको याद होगा तो आप इजिली उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक कोरल ट्राइंगल भी बोलते हैं, जिसमें एक फिलीपींस आता है, पपुआ न्यू गुनिया, सोलोमन आइलैंड, टिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस प्रकार का जो आपको चीज देख पा रहे हैं ये आपको क्या है, कोरल रीफ ट्रायंगल है, तो ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोरल रीफ ट्रायंगल कहाँ है, तो आप बता देंगे ऑस्ट्रेलिया के आसपास रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में हमको देखने को मिलता है, तो आसान है इस बात को। आगे चलते हैं, हिमालय याक चर्चा में है, क्यों, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हिमालय याक को फूड एनिमल का दर्जा दे दिया है, इस प्रकार से उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि आप फूड एनिमल अगर किसी को दर्जा मिल गया तो उससे आप क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसके लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, कंजप्शन के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, हिमालय याक क्या है, माउंटेन काउ बोलते हैं इसको, हाई एल्टीट्यूड पे एक बोवाइन स्पीसीज है और इनको हम आयुष्मान स्टैंडर्ड में इनका वल्नरेबल स्टेटस है और हिमालय
रीजन में हमको देखने को मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है वाइल्ड याक का। जैसे आप इसका आयुष्यन स्टैंडर्ड स्टेटस, आयुष्यन का मतलब कि इसका याक का, वाइल्ड याक का जो आयुष्यन स्टेटस है आपको वनरेबल देखने को मिलेगा। साइट के अपेंडिक्स वन में है, साइट का भी सम्मेलन पनामा में देखने को मिल रहा है, COP19 की मीटिंग हो रही है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन में है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे हाई एल्टीट्यूड में हमको देखने को मिलेगा, 14,000 से अधिक हमको ऊंचाई पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे संजय गांधी नेशनल पार्क चर्चा में है, क्यों? क्योंकि यहाँ से एशियन लॉयन अभी क्या कहाँ गए हैं, दो संजय गांधी नेशनल पार्क में गए हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क को बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते थे पहले। इसमें हमें कनेरी केव और बुद्धिस्ट हिस्ट्री से संबंधित हमको चीज इसमें देखने को मिलती है, तो कनेरी केव हमको संजय गांधी नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। ठीक है, मिक्स डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, टेक्टोना, अल्बिजिया और टर्मिलिया बुटिया बैम्बू। ठीक है, इसमें लियोपोर्ड मंकी, स्पॉटेड डियर, इंडियन हेयर और वाइल्ड कैट हमको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ महाराष्ट्र के नेशनल पार्क देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको पैंच नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पे दिखता है, नवेगांव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। फिर आपको गोगामल नेशनल पार्क, टोडाबा नेशनल पार्क और संजय गांधी वाइल्ड नेशनल पार्क आपको इधर देखने को मिलेगा। यहीं पे दो एशियन टाइगर को लेके आए हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, ये आपके प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके द्वारा पूछे जा सकते हैं, तो मैपिंग आप याद रखिएगा। दूसरा, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से विमल महेंद्रू इसके आईईसी के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए हैं। 2023-24 तक इनकी टर्म होगी। ये क्या है, ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, 170 कंट्री इसके साथ देते हैं, इसमें भारत भी क्या है इसमें शामिल है। इनका मेन उद्देश्य है कि जो भी इलेक्ट्रोटेक्निकल संबंधित चीजें हमको देखने को मिलती हैं, चाहे वो मोबाइल टेली कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एनर्जी से संबंधित कम्युनिकेशन हो, तो उसके संबंध में क्या करते हैं, बात करते हैं। इसमें एक बॉडी हमको अपेक्स गवर्निंग बॉडी हमको देखने को मिलती है, जिसको स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड बोलते हैं, ये एक जनरल असेंबली देखने को मिलती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और भारत भी इसमें शामिल है, और भारत को इसकी वाइस प्रेसिडेंटी मिल गई है आपको 2023-25 के बाद, तो इसलिए चर्चा में है, आपसे प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। इसको 26-27 जून 1906 को लंदन में इसको इस्टेब्लिश किया गया, बस इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सेफर की दिशा में काम करता है, मोर एफिशिएंट हो और रिलायबल हो उसकी दिशा में काम करते हैं। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जयपुर ग्राउंड चेको, ये आपको शब्द मिलेगा तो आप बताएंगे ये है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी ये साइट का जो सम्मेलन पनामा में देखने को मिल रहा है उसको इसमें अपेंडिक्स टू में लाया गया है। इसमें अपेंडिक्स, साइट में तीन अपेंडिक्स होती हैं, 1, 2, 3। अपेंडिक्स वन में ज्यादा सिक्योरिटी होती है उससे अपेंडिक्स टू में कम होती है, अपेंडिक्स थ्री में कम सिक्योरिटी हमको देखने को मिलती है। ये क्या है, एंडेमिक है इंडिया का, आयुष्यन की स्टेटस में इंडेंजर कैटेगरी में देखने को मिलता है, ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, उड़ीसा के हमको देखने को मिलेगा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के हमको रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसलिए इसका क्या है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है, इलीगल रूप से इसको हमको देखने को मिलता है। साइट के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो इसको हम साइट के बारे में अब नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब साइट का सम्मेलन खत्म होगा तो एक बार और पढ़ेंगे साइट सम्मेलन के बारे में। ठीक है, दूसरा, अबाउट, इसके बारे में एक स्पेशल चर्चा में थी, आर्माडिलोस, ये क्या है, न्यू वर्ल्ड प्लेसेंटल एक मैमल है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि अमेरिका में नेटिव है। ठीक है, ये सभी स्पीशीज हमको कहाँ देखने को मिलती है, अमेरिका में देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कि आर्माडिलोस एक शब्द चर्चा में रहा है तो क्या है, तो आप बताएंगे मैमल है और कहाँ का है, अमेरिका का नेटिव है, भारत में हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये है। दूसरा, साउथर्न वाइट रानो चर्चा में है, इनके लिए एक बुरी खबर ये है कि इनको अपेंडिक्स वन के वन से लेकर अपेंडिक्स टू में डाला गया है, COP19 का सम्मेलन हो रहा है साइट का, उसमें तो इनको कम सुरक्षा, अधिक सुरक्षा से लेकर कम सुरक्षा इनको दी गई है, तो इसलिए खतरनाक खबर है, इनका और इलीगल ट्रेड हो सकता है। ये हमको सवानास, कैन्यास,
नामीबिया जिम्बाब्वे में देखने को मिलेंगी, कॉमन एंड इनका साउथर वाइट राइनोसोर है। ठीक है, साइंटिफिक नेम हमको याद नहीं रखना है, हर्बी बोरस है। एवरेज लाइफ स्पेन इनकी क्या है, 39 से 43 ईयर तक रहती है। लाइफ स्पेन कैपेबिलिटी 27 से 30 ईयर रहती है। साइज 12 फिट के आसपास रहता है। वेट 7900 पाउंड पाउंड के आसपास इनका रहता है। ठीक है, ब्लू बगिंग चर्चा में है, तो आप एक क्या है, एक हैकिंग का तरीका है, आपकी ब्लूटूथ जो आपका ब्लूटूथ होता है उसकी डिवाइस के माध्यम से आपके जो डेटा है उसको ब्रीच करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया ब्लू बगिंग। ठीक है, मतलब कि बग आपकी डिवाइस में कहाँ से आएगा, ब्लूटूथ के माध्यम से, और उसके माध्यम से आपके डेटा को ब्रीच करने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए इसका नाम रख दिया ब्लू बगिंग। ठीक है, बग कहाँ से आएगा, ब्लूटूथ से, बस इतना ध्यान रखना। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है, भारत के चार चीजों को मिला है, ये आपको डोमाकोंडा फोर्ट है जो तेलंगाना में, इसको मिला है। उसके अलावा स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद में मिला है, और बाइकुला स्टेशन मध्य प्रदेश मुंबई में है उनको मिला है, छत्रपति शिवाजी महाराजा वस्तु संग्रहालय इनको मिला है। तो इनको ध्यान रखेंगे किस किस को मिला है, किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। दूसरा अस्त्रा हिंद एक्सरसाइज चर्चा में है मिलिट्री, तो अस्त्रा हिंद एक्सरसाइज आपको ऑस्ट्रेलिया भारत के मध्य देखने को मिलेगी, और अभी ये मध्य भारत के राजस्थान में हमको देखने को मिल रही है, इसलिए चर्चा में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अस्त्रा हिंद किस किस के मध्य है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अब हम क्या करते हैं, कुछ रेंज पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलेगी, इसकी चोटी आपको माउंटेन आपको माउंटेन K2 देखने को मिलेगा। अरावली रेंज देखने को मिलेगी, इसकी इसका माउंट आबू देखने को मिलेगा। विंध्यन रेंज देखने को मिलेगी, इसको आपको शिखरा देखने को मिलेगा सवदरा। ठीक है, फिर आपको इधर सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी, धूपगढ़ इसकी देखने को मिलेगी, महादेव रेंज, पंचमढ़ी आपको इधर देखने को मिलेगी। ठीक है, अजंता, बालाघाट, सतमाला, दूदप आपको इधर देखने को मिलेगी, और इसके बाद आपको वेस्टर्न घाट की जो रेंज है, दूधाबेट्टा, नीलगिरी और अन्नामलाई आपको इधर देखने को मिलेगी, अन्नामुड़ी। ठीक है, इसके बाद आपको ईस्टर्न घाट में जाएंगे तो आपको माउंट जिंदा जिंदागढ़ा देखने को मिलेगी। आप मैकाल रेंज में जाएंगे तो अमरकंठक, कैमूर रेंज में जाएंगे तो आप इधर आपको इधर देखने को मिलेगी। ठीक है, मैकाल रेंज में मुझे कमेंट करके बताइए कि नर्मदा नदी कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से उसका ओरिजिन होता है। पटकाई रेंज ऊपर जाएंगे तो इधर आपको नोकरेक देखने को मिलेगी, डाफा हिल देखने को मिलेगी, और माउंट सरामती आपको इधर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ लोकेशंस हैं, आप इनका क्या करना, रेस्पेक्टिव लोकेशन याद रखिएगा, आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक सिक्वेंस याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।